Hello everyone, welcome to Unacademy, India's largest online platform for exam preparation. PCS GATE किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं आज के डेट में इस प्लेटफॉर्म पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहाँ से बता दीजिए। सॉरी आज एक्चुअली ना नेट का इशू आ रहा था इसलिए ऐसा हो रहा था। सूर्यांश जी ठीक है, नेट का जबरदस्त इशू हो गया था, मैं तब से वही कर रहा था। संजीव जी गुड इवनिंग, चंद्र जी गुड इवनिंग, सूर्यांश गुड इवनिंग, नीलमा गुड इवनिंग। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ईशान हाँ वही नेट का इशू था ना इसलिए बच्चों मैं लेट हो गया था। अगर बीच जाइएगा नहीं ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप अ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री अंडर विच इनिशिएटिव। पीएम वैन, पीएम वाईफाई, पीएम वानी और पीएम वांट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीमा जी का पहला का बी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर बता दीजिए। किट्टू जी का सी है। सरगुनम जी, नीलमा, मिज, किट्टू, सीमा, चंदेश, सूर्यांश, तो सभी बच्चे आंसर कीजिए। संजीव जी क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बता दीजिए। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिज जी का आंसर आ रहा सी, किट्टू जी का सी है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बता दीजिए। तो सीमा जी का, सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ठीक है। बच्चों रात में भी सेम टाइम पे ही होगा, 11:30 PM पे। अगर नेट का इश्यू अगर ज्यादा रहा तो मैं क्लास अगर बंद कर दूं तब भी आप लोग आइएगा जरूर। तो चंदेर जी का न्यूजीलैंड, सीमा जी का ए मैनेजमेंट। अच्छा बफरिंग हो रहा है तो जो भी बच्चे अभी क्लास ले रहे हैं ठीक है, अगर नेट का ऐसा ही इशू होगा तो मैं अभी क्लास बंद कर दूंगा ठीक है, मगर कल जरूर आइएगा ठीक है। मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, आज नेट का शाम से ही थोड़ा बहुत इशू हो रहा है तो कल जरूर आइएगा। चैनल नाम याद रखिएगा, जैसे सब्सक्राइब कर लिए। लेट्स का एक बैंक एग्जाम जो है ये अभी दो टाइम पे होता है, 1 PM पे और 11:30 पे ठीक है। हाँ तेजा जी मैं देख रहा हूँ नेट बफरिंग हो रहा है। अच्छा मेरा आवाज आ रहा है क्या। अच्छा सुनिए, अगर बाय मिस्टेक क्लास बंद हो जाए तो कल आइएगा जरूर इसी चैनल पे, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे ठीक है। एक तो 1 बजे होगा दोपहर में और रात में भी 11:30 PM पे इसी टाइम पे होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बता दीजिए बच्चों। तो अगर मेरे कान से किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है तो सॉरी ठीक है, ये नेट का इशू है, मेरे साइड से कुछ नहीं हो रहा है। चौथा का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच कंपनी हैज इंक्ड अ MOU विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल टू इंप्लीमेंट नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। संजीव जी बताइए। सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ANTPC। चलिए पांचवा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज अप्रूव्ड अ रिजोल्यूशन टू ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस ऑन विच डेट। December 26, December 24, December 20 और December 27। सीमा जी का 4 का सी है, संजीव जी का NTPC ठीक है। बाई चांस अगर नेट के कारण अगर इशू हो बंद हो जाए तो आप लोग कल आना भूलिएगा नहीं ठीक है।
हाँ वो एक्चुअली 14 डिसलाइक ही है ना, कभी कभी यूट्यूब में खुद इशू हो जाता है, वो मैं भी देख रहा हूँ, 14 डिसलाइक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज अप्रूव्ड अ रिजोल्यूशन टू ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस ऑन विच डेट, December 26, December 24, December 20 और December 27। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, तेजस जी का 5 का बी है, नीलमा आप बताओ, सीमा जी, संजीव जी, चंदेर जी, स्वप्निल जी, रूबी मौर्य, सभी बच्चे बताइए, किट्टू जी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता दीजिए। संजीव जी का 5 का सी है। अच्छा क्लोज कर दूं क्लास, कल सभी आएंगे, कल सभी आ जाएंगे। हाँ तो कल आप लोग 1 PM पे आ जाएगा इसी चैनल पे, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, ठीक है, रात को होगा ही होगा, तो एक सेशन इसका 1 PM पे होगा और दूसरा सेशन 11:30 PM पे होगा, ठीक है। अभी जितना देर चल रहा है चल रहा है, अगर बीच में बाई मिस्टेक ऑफ हो गया ना तो आप लोग समझ जाएगा कि कुछ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी December 27। नेट का इशू आ रहा है संजीव जी, ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं है, मैं तो खुद ही लेना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन लोकसभा विथ इफेक्ट, देखते नहीं अमित जी का भी हो रहा है, सबको बफरिंग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन लोकसभा विथ इफेक्ट फ्रॉम September 1। क्वेश्चन नंबर 6, उत्पल कुमार सिंह, द्वेत कुमार सिंह, अमित प्रकाश यादव, हरप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन लोकसभा विथ इफेक्ट फ्रॉम September 1। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन छठा का आंसर क्या हो जाएगा? संजीव जी का ए है, ठीक है, सलमान हैदर जी, गुड मॉर्निंग, कल भी 11:30 बजे इस चैनल पे क्लास होगा, ठीक है, तो अभी बाय मिस्टेक कुछ भी हो जाए, क्लास बंद हो जाए नेट के इशू के कारण, तो आप लोग कल भी इसी टाइम पे आइएगा 11:30 पे, ठीक है, ये मेरे साइड से प्रॉब्लम नहीं है, ये नेट का इशू है बच्चों, ठीक है, और 1 PM पे, दो टाइम पे मैं अभी सेशन ले रहा हूँ, कौन से चैनल पे, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। प्रियंका जी कोई बात नहीं, आज सेशन खुद ही लेट से हुआ नेट के इशू के कारण, और अभी प्रॉब्लम हो ही रहा है, कंटिन्यू है ये प्रॉब्लम। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन लोकसभा विद इफेक्ट फ्रॉम September 1। नहीं मेरा जियो नहीं है, मैंने एयरटेल का लगा रखा है, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, कुछ टेक्निकल चीज है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दीजिए। तो जो भी बच्चे आ रहे हैं प्लीज एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दीजिए बच्चों। संजीव जी, सलमान जी, किट्टू जी, तेजस जी, नीलमा, मिज, चंदेर जी, फटाफट बताइए आप लोग। सिक्स का आंसर बता दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? उत्पल कुमार सिंह। क्वेश्चन नंबर 7, अयाका ताकाहाशी हैज अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट्स। दो बार लाइक मत कीजिएगा, ठीक है, लाइक एक भी बार सेशन को कीजिएगा, नहीं तो एक कम हो जाता है लाइक।
क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का आंसर बता दीजिए। अयाका ताकाहाशी हैज अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट्स, रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और स्क्वैश। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, नेहा गुप्ता जी का डी है, तो नेहा गुप्ता जी गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का आंसर बता दीजिए बच्चों। तेजा जी का डी है, नीलमा का स्क्वायर, स्मित जी का बी, प्रियंका जी आप बताइए, हैदर जी, फटाफट सभी बच्चे जो देख रहे हैं प्लीज पूरा आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का आंसर क्या हो जाएगा, बी बैडमिंटन। एट्थ बनाइए, विच बैंक हैज अप्रूव्ड 1 बिलियन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इन इंडिया, वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक। नंदनी हेलो, क्वेश्चन नंबर एट का आंसर क्या हो जाएगा, तापस जी गुड इवनिंग। थोड़ा नेट का इशू ज्यादा चल रहा है, ठीक है। आठवां का आंसर बता दीजिए, विच बैंक हैज अप्रूव्ड 1 बिलियन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS इन इंडिया, इज इट वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक। एट का आंसर बता दीजिए बच्चों। तो तापस जी गुड इवनिंग, नीलमा गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर क्या हो जाएगा, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, विच फॉर्मूला वन रेसर हैज वॉन टाइटल ऑफ द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, जाइएगा नहीं, ठीक है। ठीक है सलमान, कोई बात नहीं, सो जाइए। प्रतिभा शर्मा जी गुड इवनिंग, तापस जी का लेविस हैमिल्टन, प्रतिभा जी का डी है, तेजा जी का नाइन का डी, प्रियंका जी का डी है, नंदी का भी, तो आंसर हो गया लेविस हैमिल्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर टेंथ, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज बोर्न इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर टेंथ, तापस जी का लेविस हैमिल्टन, ठीक है संजीव जी। जितने बच्चे आ रहे हैं प्लीज एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जिनको भी थोड़ा तकलीफ हुआ 10 मिनट 15 मिनट जो वेट किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नेट, ठीक है। दसवां का आंसर बता दीजिए, प्रियंका जी का 10 का डी है, संजीव जी का डी, प्रतिभा जी का वेस्ट बंगाल, ठीक है, तेजस जी का 10 का डी आ रहा है, नेहा जी आप बताइए, मीच आप बताइए, सीमा, चंदेर जी फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर टेंथ का आंसर क्या हो जाएगा, डी वेस्ट बंगाल, ठीक है। इलेवेंथ है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिलॉन्च इट्स एम्बिशियस संबल योजना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी संबल योजना फिर से शुरू की है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 11th, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीलॉन्च इट्स एम्बिशियस संबल योजना। 11वां का आंसर बता दीजिए, नंदनी मध्य प्रदेश, मित जी का डी है, नेहा जी का डी है। क्वेश्चन नंबर 11th, और पूरा सेशन जरूर देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम बताइए और सीएम का नाम फटाफट बताइए। सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ तेजस, नीलमा, संजीव,
यामिनी जी गुड इवनिंग। तो यामिनी डेली आया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किया तो। लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, ठीक है। डेली बेसिस पे इस पे क्लास होता है 1 PM, और आज से ही मैंने शुरू किया 11:30। अब ये कंटिन्यू रहेगा 11:30 PM। तो 11 का प्रियंका जी का ए आ रहा है, संजीव जी का बी पक्का है, ठीक है। रविशंकर जी गुड इवनिंग। तो आंसर हो गया बी मध्य प्रदेश। किसी को नहीं मालूम है छत्तीसगढ़ के सीएम और गवर्नर का नाम? क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। तापस जी का मध्य प्रदेश आ रहा है। छत्तीसगढ़ का किसी को सीएम नहीं मालूम है? प्रियंका चौधरी अनसुईया को। ओके ठीक है बिल्कुल। 12वां, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बेड्स विद वेंटिलेटर्स इन हॉस्पिटल ऑफ ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 12। रविशंकर जी का रमन सिंह, ठीक है। अनुसुईया उकई, तापस जी का मित जी का डी है, नीलमा जी का यूपी, नंदनी का यूपी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज लॉन्च डिजिटल कार बाइंग प्लेटफॉर्म ओन ऑनलाइन टू बूस्ट सेल्स एमिट कोविड-19 क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता दीजिए। यामिनी भल्ला जी का आंसर आ रहा है सी। प्रियंका जी का 12 का यूपी है, तापा जी का मारुति महिंद्रा, ठीक है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? महिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, 14th का आंसर बता दीजिए। 14 का आंसर बता दीजिए। अच्छा, आप लोगों में से किसी को मालूम है राम सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? आज का टाइटल भी डाल दीजिएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये भी साथ के साथ करवा दूंगा। जो न्यूज में राम सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है बताइए। हो रहा है, नेट का इशू शाम से ही हो गया है। राम सागर जो मैंने पूछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है, कोई बताएं। राम सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाय चांस अगर क्लास बंद भी करना पड़ जाए बाय मिस्टेक, तो आप लोग कल से दोनों टाइम पे आइएगा। किस चैनल पे? लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे। दोनों टाइम पे आइए, एक तो 1 PM पे, 1 PM पे, और दूसरा अभी जो 11:30 पे है उस पे। आंसर नरेंद्र बत्रा। राम सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है बच्चों? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। पंद्रह बनाए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फियर ऑफ गॉड? और मैंने अभी तुरंत आप लोगों से पूछा भी था, जो स्पेशल सेशन 4 PM पे हो रहा था अनअकैडमी के ऐप पे, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था FIH का हेडक्वार्टर कहाँ है। किसी को याद नहीं है? नंदनी आपको भी नहीं याद है, आप ही इसका आंसर भी देते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लाउसने स्विट्जरलैंड में। साथ ही मैंने बताया था इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, सारे का बताया था। क्वेश्चन सांबा जी, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नंदनी आप भी जितने भी बच्चे हैं प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर नहीं लाइक किए तो अभी तक। क्वेश्चन 15, हुई द ऑथर ऑफ द बुक फियर ऑफ गॉड? हुई द ऑथर ऑफ द बुक फियर ऑफ गॉड? 15 का आंसर बता दीजिए। बताइए मुझे। ऐसे ही बूंद बरता, बूंद बरता
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, बूंद भरता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर मालूम है तो कमेंट करिए। BUNDHA BARATH, बूंद भरता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? नीलमा जी का चंद्रा, ठीक है। यामिनी जी का 15 का ए, प्रतिभा जी का बी, तापस जी का ए, नंदनी का 15 का ए है, तरनवीर सिंह जी का ए है। वो शुरू में ना एक्चुअली में 15-20 मिनट क्लास नहीं हुआ, या तो हो सकता है उसके कारण से इतने डिसलाइक हो गए, या तो हो सकता है सांबाजी कुछ टेक्निकल भी कभी कभी फॉल्ट होता है, ये हमने देखा है, यही दो रीजन हो सकते हैं। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। तो बूंद वर्ता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे बच्चों? राजस्थान में, ठीक है। सोलवान, तमिलनाडु हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल कमिटी अंडर हुज चेयरमैनशिप टू एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन मीडियम टर्म रिस्पॉन्स पोस्ट कोविड लॉकडाउन पीरियड। कॉपी लेके बैठिएगा। हाँ, लाइक से ज्यादा डिसलाइक है, देखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 16, तमिलनाडु हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल कमिटी अंडर हुज चेयरमैनशिप टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मीडियम टर्म रिस्पॉन्स पोस्ट कोविड लॉकडाउन पीरियड। 16 का आंसर बता दीजिए। तापा जी का 16 का सी है, नंदी जी का सी रंगराजन, सांबा जी का भी रंगराजन, ठीक है। तेजस जी, तरनबीर जी, आप भी रेगुलर आया कीजिए सेशन में और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो नहीं अभी तक किए हैं। लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, ठीक है। लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दो टाइम पे सेशन होता है, एक तो 1 PM पे, ठीक है, डेली बेसिस पे, और अब से 11:30 PM पे भी होगा, तो इसको रेगुलर कीजिए। बताइए, रविशंकर जी, प्रतिभा जी, तापस जी, आप लोग सभी बताइए फटाफट आंसर। नेहा गुप्ता, प्रियंका चौधरी जी, मिज, नीलमा। अच्छा, बुलेट स्पीड में चले तो 16 का आंसर हो गया सी से रंगराजन। 17 बनाए, विच आईटी से स्टार्टअप नैनो सेफ सॉल्यूशन हैज लॉन्च रियूजेबल एंटी माइक्रोबायल मास्क नेम्ड एनसेफ। यामिनी जी का 16 का सी है, नेहा जी का सी, तरनबीर जी का सी है। तरनबीर जी रेगुलर आइए और एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा तरनबीर जी। नंदनी जी का आईआईटी दिल्ली है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आईआईटी दिल्ली। 18 बनाइए, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज लॉन्च व्हिच ऐप टू जनरेट डेटा ऑन एक्सेप्टेंस एंड यूजेस ऑफ आयुष एडवोकेसीज। इज इट आयुष संजीवनी, आयुष आरोग्य, स्वास्थ्य संजीवनी और आयुष आरोग्य। नीलमा जी का दिल्ली था, प्रतिभा जी का दिल्ली, संजीव कुमार जी का 17 का बी है, ठीक है, नेहा जी का दिल्ली आ रहा था, तापस जी का 18 का ए है। ओके, तरनबीर जी आप बताइए, संजीव, प्रतिभा, नीलमा, तेजस, नेहा, नंदनी, बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? नीलमा जी का ए है, क्वेश्चन नंबर 18। शर्मा जी का भी ए है, तेजस जी का भी है, तो आयुष संजीवनी इज द करेक्ट आंसर। 18 का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, फिरोजुद्दीन फिरोज हु हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? बांग्लादेश, इजराइल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 19, 19 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, ये सब बताइएगा मुझे, गजनेर ये एग्जाम में पूछा हुआ है, गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये कहाँ पे है? सरिस्का नेशनल पार्क, लिखते भी जाइएगा, सरिस्का नेशनल पार्क, दराह, दराह नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, इसका दूसरा नाम है घाना बर्ड सेंचुरी। प्रतिभा जी का सी है, नंदी का राजस्थान, तापा जी का राजस्थान, बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 20, अजीत जोगी हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? अजीत जोगी हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? क्वेश्चन नंबर 20।
आए होंगे, हो सकता है नंदिनी आए होंगे, क्योंकि पहला 15 मिनट क्लास ही नहीं चला, हो सकता है इसीलिए चले गए हों। तो संजीव जी का 20 का 80 है, नंदिनी जी का 36 का, तेजस जी का नहीं, ठीक है, प्रतिभा जी का 36 गढ़ है, शांबा जी का राइट, यामिनी का 20 का 80। तो 20 का आंसर सी, 36 गढ़ इसका राइट आंसर। 21 बने, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू स्क्रूटिनाइज न्यू मंडले रेलवे प्रोजेक्ट कनेक्टिंग मंडले विद द कैपिटल सिटी ऑफ यूनान प्रोविंस इन चाइना, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया और वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, 21 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बता दीजिए। हाँ नील ने, 17 मिनट नहीं चला, वही 15 से 17 मिनट शुरू में नहीं चला है। क्वेश्चन नंबर 21, सेवेंटीन का, 21 का आंसर बता दीजिए। तेजा जी का बस 21 का बी है, सांबा जी का तेजा जी का भी बी आ रहा है, ठीक है, प्रतिभा जी का वियतनाम, तरनवीर जी का मलेशिया, संजीव जी, प्रतिभा जी का डी आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार। 22, ग्रैंड एनिकट डैम विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, इज इट आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना। 22वां का आंसर बता दीजिए। कोई बात नहीं प्रियंका, आज तो मेरा नेट खुद भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, मैं सॉरी बोलूं आप लोगों को तो वो ज्यादा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रैंड एनिकट डैम विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना। 22वां आंसर बता दीजिए। उड़ीसा का कुछ नेशनल पार्क का नाम जानते तो बताइए, और जिनको नहीं मालूम है वो लिख लीजिएगा। तो में से कौन सा है, नंदन कनन, नंदन कनन नेशनल पार्क, सिमलीपल नेशनल पार्क, ये सब लिख लीजिएगा। भीतर कनिका ये एग्जाम में आ चुका है, और नंदन कनन भी, भीतर कनिका नेशनल पार्क, भद्रमा, भद्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का, ये लेक सुना होगा, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हदगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हदगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खाला सुनी, सुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और चुलचिल्ली, चुल चिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, नंदन कनन, सिमलीपल, भीतर कनिका, उसके बाद है भद्रमा, BATRA, भद्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हथगर, खाला सुनी और चुलचिल्ली। तो 22वां का आंसर कौन कौन दे रहे हैं, तापस जी का वो नंदन का बिल्कुल सही है। साथ के साथ एक और है, सतकोसिया भी, ठीक है, संजीव जी का 22 का बी आ रहा है, ठीक है, तेजा जी का 22 का ए है, तापस जी का 21 का, 23 का, 21 का म्यांमार था, ठीक है, नीलमा जी मैसेज डिलीट कर दिया, यामिनी जी का 22 का बी है, सांबा जी का सिमलीपल, ठीक है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तमिलनाडु। और सभी बच्चे लिख लीजिएगा, सभी लिख रहे हैं, अभिषेक गुड इवनिंग। तो उड़ीसा का मैं फिर से बता दूं, एक तो मैंने बताया आप लोगों को नंदन कनन नेशनल पार्क, दूसरा है सिमलीपल नेशनल पार्क, फिर है भीतर कनिका नेशनल पार्क, फिर है भद्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर चिल्का, हदगर, खालासुनी, ठीक है, चुलचिल्ली, और एक और मैंने कौन सा बताया, सतकोसिया, सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारे कहाँ पे है बच्चों, उड़ीसा राज्य में, ठीक है।
तो 22 का आंसर हो गया सी, तमिलनाडु। चलिए तो इसको बताइए, विच स्टेट है डिसाइडेड टू एडॉप्ट द स्कीम ऑफ फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आसाम। 23 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, अभिषेक जी आप भी डेली बेसिस पे आया कीजिए, और अभिषेक जी रेगुलर आइए, और एक बार सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा। अभिषेक, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट द स्कीम्स ऑफ फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल? इज इट कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आसाम। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बता दीजिए। 23 का आंसर बता दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बता दीजिए। सांबाजी, तापाजी, नीलमा, नंदनी, तरनवीर जी, तेजस जी, प्रियंका, नेहा, प्रतिभा, संजीव। फटाफट सभी बच्चे बताइए। नेहा गुप्ता, नेहा शर्मा जी, नंदनी जी का यूपी है, तापा जी का यूपी है। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर। अभिषेक, 23 का आंसर बता दीजिए बच्चों फटाफट। ऐसे ही आप लोगों को अगर मालूम हो तो सिक्किम का नेशनल पार्क अगर मालूम है, सिक्किम के जो फेमस नेशनल पार्क है, यामनी जी का, तो इसका बी आ रहा है। ठीक है, शर्मा जी का बी है, अभिषेक जी का बी है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी, उत्तर प्रदेश। सिक्किम का लिख लीजिएगा फिर। कंचनजंगा आप लोगों ने सुना ही होगा, कंचन जंगा नेशनल पार्क। फिर है कीटम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है मायनम। लिख लीजिएगा ये, जान के मैं बोल रहा हूं कि आप लोग को। एक तो मायनम, पेंगोलखा, पेंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फेमबोंग, फेमबोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो 23 का आंसर हो गया बी, उत्तर प्रदेश। 24, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड विच सैनिटाइजिंग चैम्बर नेम टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस? क्वेश्चन नंबर 24। तेजस जी का भी 23 का ही है, तापस जी का यूपी आ रहा है। तो सभी बच्चे जो भी लिखा रहा हूं प्लीज लिखिएगा जरूर। ठीक है, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लिख लीजिएगा। डीआरडीओ हैज डेवलप्ड विच सैनिटाइजिंग चैम्बर नेम टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस? सैनिक क्लीन, बक क्लीन, माइक्रो क्लीन और जमी क्लीन। क्वेश्चन नंबर 24। 24 का आंसर बता दीजिए। नंदी जी का जर्मी क्लीन है। अंकित जी गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी, जर्मी क्लीन। 25, वसंत राय जी हु पास्ट एवर रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? इज इट क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और रेसलिंग? क्वेश्चन नंबर 25। यामिनी जी का 24 का डी था, ठीक है, बिल्कुल सही था। सांबा जी का जर्मी क्लीन, तापा जी का जर्मी क्लीन, सांबा जी का क्रिकेट, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो गया क्रिकेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आंसर क्या हो गया बच्चों? ए, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 26,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड अ लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ $215.68 million टू विच कंट्री? केनिया, लिसोथो, मालावी और मोजाम्बिक। 26 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, 26 का आंसर बता दीजिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड अ लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ 215.68 million टू विच कंट्री? इज इट केनिया, लिसोथो, मलावी और मोजाम्बिक? 26 का आंसर बता दीजिए। संजीव जी का 26 का, शेख जी का ए है, ठीक है। तापस जी नॉट श्योर। क्वेश्चन नंबर 26, नंदिनी जी का मोजा, ठीक है, मोजाम्बिक, ठीक है। तो 26 का आंसर बता दीजिए सभी। छब्बीस का आंसर लिखिएगा मलावी। राजधानी इसका क्या होगा बच्चों? लिलोंगवी, लिसोथो का मासेरू, मोजाम्बिक का मापुटो और केनिया का क्या है? नैरोबी। और नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है? यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पे? नैरोबी में। तो आंसर हो गया सी। 27, हु हैज बीन इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिलीपींस? सत्ताईस बताइए। तेजा जी का 26 का भी है, नंदी का नैरोबी। तो संजीव जी बताइए, तापस, अभिषेक, नंदनी, फटाफट बताइए सारे बच्चे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिलीपींस? 27 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, सांबा जी का राहुल आ रहा है, ठीक है, तापस जी का शंभू। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 28वां, who has been appointed as the brand ambassador of Bihar? 29, which railway zone has set up a body screening facility called Fabry Eye in Mumbai? Question number 29th. Question number 29th, कहाँ से बता दीजिए? हाँ, नेट मुझे भी लग रहा बहुत ज्यादा इशू कर रहा है। 29 का आंसर हो जाएगा सेंट्रल रेलवे। एक क्वेश्चन और करा के मैं क्लास ओवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। मगर कल ध्यान रखिएगा, कल से आप इसी टाइम पे आएंगे जितने भी बच्चे हैं। ये क्वेश्चन लास्ट रहेगा, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। सेम टाइम पे आएगा 11:30 PM पे, और दोपहर में कब होता है इस पे क्लास? 1 PM पे। तो सभी बच्चे आ जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए, ठीक है। आज जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए क्षमा चाहता हूं। 30 का आंसर बता दीजिए। तीस का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, 28 का पता नहीं लगा, एक सेकंड रुक जाइए। 28 का हो गया पंकज त्रिपाठी, डी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का, तेजा जी का ए है, सांबा जी का एनसीडीसी, यामिनी जी का 30 का ए। तो आंसर क्या हो जाएगा? एनसीडीसी। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूं, ठीक है बच्चों। आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं। टाइमिंग याद रखिएगा, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए 1 PM, और दूसरा सेशन कब होता है? रात 11:30 PM पे, ठीक है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले तो इस कोड का यूज कीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल कौन सा है? लेट्स क्रैक
एसएससी एग्जाम कल सभी, फिर आज ही हो जाएगा ठीक है। आज नेट का इशू था इसलिए मैं अभी ओवर कर दे रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय नीलमा, नंदनी, सांबा, तापस जी, गुड नाइट, बाय एंड टेक केयर, तेजस जी ठीक है, यामिनी जी, आज के लिए इतना ही था। 4 PM का भी स्पेशल सेशन डेली बेसिस पे आप लोग देखा कीजिए, बस उसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करके लाइव होना होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।